हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस वाले पार्ट का थोड़ा सा आगे का वर्जन है। मैंने लास्ट क्लास में एक रियलाइजेशन आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब नाउ सेकंड रियलाइजेशन अपन देखेंगे, रियलाइजेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि डी को जेके के साथ बनाना है तो पहले ब्लॉक डायग्राम बनेगा। डी नेक्स्ट स्टेट डिकोडर में लगेगा और जे और के आपके लगेगा, क्यू एन और क्यू एन बार लगेगा। तो वही आउटपुट वाला इधर से अटैच हो गया, इधर का नीचे वाला आउटपुट इसके साथ अटैच हो गया और जे और के को आपने क्या दे दिया, क्लॉक पल्स दे दिया। अब सबसे पहले ट्रुथ टेबल लिखेंगे, किसकी लिखेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप की। मतलब वही ट्रुथ टेबल 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये एज इट इज़ कॉपी होता है इधर की तरफ तो वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। अब एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे किसकी, डी, और इसको मिला करके किसकी, जेके के रेस्पेक्ट में। तो ये पूरी टेबल एज इट इज़ कॉपी अप कर दी बेटा यहाँ पर, और पहले और आखिरी वाले को ले लिया। किसको ले लिया, Qn और Qn प्लस वन को लेकर के एक्साइटेशन टेबल बना दी। 0 0 का कितना 0d, 0 1 का कितना 1d, 1 0 का कितना d1, और 1 1 का कितना d0। अगर किसी ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो बेटा पहले वाला वीडियो देख लेना, ताकि आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी कि एक्साइटेशन टेबल मैंने कैसे याद करवाई थी और कैसे बनाना सिखाया था, है ना। तो उसको बहुत अच्छे से सीख लेना और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पर आते हैं, ध्यान से देखना अगला क्या कह रहा है। या नाउ अब आपके पास जो यहाँ पर है जे को ध्यान से देखेंगे, इस जे के अंदर क्या है, 0 1 d और d है, यानी 0 1 2 और 3 है। तो 1 2 3 पर आपको फिलअप करना है, तो के मैप में फिलअप करोगे। अब के मैप में फिल करने के दो तरीके हैं बेटा, है ना। ये एक तरीका फिल कर ही रखा है आपने, डी को ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो, एक ही बात है, क्योंकि 2x2 में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फिल करके के मैप बना देंगे, तो फिल करा आपने और अब इसके अंदर अब क्या बनाएंगे, अपन के मैप बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस के मैप को देखना। तो ये डी 0 1 2 और 3 अगर आप चाहोगे तो ऐसे बन जाएगा लाइक दिस। ये डी और ये कितना क्यू वन, 0 1 पे कितना था 1 था, और नीचे वाले दोनों पर कितना था डी था। अगर 0 1 3 और 2 इस तरीके से ले रहे हो तो यहाँ पर 0 1 3 और 2 इस तरीके से लिया गया है, तब भी आंसर उसी हिसाब से होगा। बट डी कहाँ आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा, और क्यू वन कहाँ जाएगा, क्योंकि आंसर आपको डी की टर्म में लेना है। आंसर किसकी टर्म में लेना है, डी की टर्म में लेना है। तो बस इन दोनों को चेंज कर लेना, बाकी का काम तो सेम है। यही कहा था मैंने कि दो तरीके से हो सकता है, डी और यहाँ पर क्या कर दोगे क्यू वन, ये हो गया आपका डी बार और ये हो गया आपका डी। तो आंसर कितना आ गया, जे का डी आ गया। सिमिलरली इसका भी वही सेम काम करेंगे। इसमें देख लो बेटा कहाँ कहाँ पर क्या क्या आ रहा है, पहले ध्यान से पिछले वाले को देखेंगे अपन कैसे चीज़ें। हाँ, पिछले वाले में कहाँ के अंदर कितना आ रहा है, 0 1 और 2 पे आ रहा है। तो 0 1 और 2 के रेस्पेक्ट में काम करेंगे, तो 0 और 1 और 2 को ले लो। तो 0 1 है ना और 2, ठीक है, और डी को भर देना। इसी तरीके से कर दो, कोई एक ही बात है वो, तो किसी भी तरीके से कन्फ्यूज मत हो, बस आराम से एक तरीके से कर दो, किसी भी एक तरीके को यूज़ कर लो। तो के में क्या आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, डी बार आ जाएगा। बना देंगे जे में क्या आ गया आपका, डी आ गया, तो जे में तो डी हो गया और के में आ गया डी बार। तो डी का कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ जोड़ दिया, इसको रियलाइजेशन कहते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आराम से सबका रियलाइजेशन, किसी का भी एग्जाम में किसी के भी थ्रू आ सकता है, आता ज़रूर है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो बहुत ध्यान से इसको परफॉर्म करना है ना। से नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला है डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप करना है। तो वही पहले डी आ जाएगा और फिर टी फ्लिप फ्लॉप को इधर बना देंगे नेक्स्ट स्टेट डिकोडर में। तो आपका क्या आ जाएगा, डी, और टी के थ्रू बनाना है तो टी, पहले डी की एक्साइटेशन टेबल जैसा ये यहाँ पर है वैसे का वैसा यहाँ पर आ जाएगा अगले वाले में भी, है ना। तो वैसे का वैसा यहाँ पर कर दिया जी, ये दोनों कॉपी हो गए आपके अच्छे से पूरी एक ही तरीके से। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्साइटेशन टेबल होती है। एक्साइटेशन टेबल में आप लोग क्या करते हो, एक्साइटेशन टेबल में वही Qn और इन दोनों को लेते हो। इसमें तो ये वाली चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी, है ना। टू टेबल तो अभी D की तो कितनी बार बना चुके हैं अपन, 0 0 का 0 0 1 का कितना 1, और 1 0 का 1, और 1 1 का कितना होता है 0, बताया था सेम होते हैं तो 0 होता है और डिफरेंट होते हैं तो 1 होता है। तो वही काम यहाँ करा। अब इसका अभी आप क्या करोगे बेटा, हाँ के मैप बनाओगे। तो के मैप किसका बनेगा, टी का, 0 1 और 2 पर, 1 और 2 पे बनाना है। तो 1 और 2 पर आपने 1 1 लिख दिया डी ऊपर, इसके लिए हो जाएगा, इस वाले 1 के लिए हो जाएगा डी, है ना, और क्यू वन बार, और इस वाले के लिए हो जाएगा सेकंड वाले के लिए डी और क्यू वन। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पर बनाया, देख लो ये रहा पूरा। इसके लिए आंसर हो गया डी और ये कितना क्यू वन बार, है ना, क्योंकि 0 आ रहा है ना, और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा डी बार और क्यू वन। तो इन ये अपन का एक्सोर है, a बार b प्लस a b बार, a एक्सोर b होता है तो उसको a एक्सोर b लिख दिया, मतलब एक्सोर का सर्किट लगाना है।
तो एक्सोर का सर्किट लगा करके बना देंगे। ठीक है, जो सबसे अलग है वो ये वाला है, रियलाइजेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब जेके का एसआर में तो पहले क्या आएगा जेके और फिर क्या आएगा एसआर। अब टोटल 8 इनपुट आएंगे, तो ध्यान से उसकी ट्रुथ टेबल को देखना, वो ट्रुथ टेबल किस तरीके से मेज़र की जाती है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ट्रुथ टेबल बनाएंगे किसकी, जेके की, क्योंकि जेके पहले आ रहा है। तो पहले तो वही लिख दो 0001 0010 0011 1001 1, यहाँ से यहाँ तक का तो पूरा एज इट इज़ 7 तक का फिल करना है। देन अब नेक्स्ट स्टेट बतानी है, नेक्स्ट स्टेट क्या होती है आपकी, क्यू ऑफ एन प्लस का 1 होता है ना। तो अब ध्यान से देखना क्यू एन 00 का कितना, ध्यान से समझ करके एक्साइटेशन टेबल लिखनी है। तो क्यू एन प्लस 1 क्या होगा, 00 का कितना होगा 0। कैसे पता लगाया कि 0 होगा, बेटा बोला था ना प्रीवियस वैल्यू होती है, तो यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू आ गई। और 01 का क्या होता है, रिसेट मतलब 0, 10 का क्या होता है सेट मतलब 1, और 11 का क्या होता है टॉगल, टॉगल मतलब ऊपर वाले का इस वाले का उल्टा करना है यहाँ पर, तो उसका उल्टा कर दिया। 0 था इनपुट में, 0 लिया था आपने सबसे पहले, तो उसका उल्टा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली आगे का काम करेंगे, आगे क्या है आपका 00 आ गया, फिर से क्या आ गया 00, तो प्रीवियस वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 ही लिख देंगे। 01 का क्या होता है रिसेट, तो रिसेट कर दिया। 10 का क्या होता है सेट, तो 1 लिख दिया। और 11 का क्या होता है टॉगल, टॉगल मतलब पहले क्या लिया है आपने 1 लिया था अभी यहाँ पर, अब उसका उल्टा करोगे, अब इसका उल्टा करोगे क्योंकि अब ये वाली सिचुएशन आ चुकी है। आधा आधा कर लेना बेटा, हाफ हाफ, ये यहाँ तक आपका हाफ पोर्शन है, यहाँ से आपका अगला हाफ पोर्शन है, सेम है, देखो सिमिलर। तो वो का वही अपन ने यहाँ पर फॉलोअप किया और उसके रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर आंसर्स दिए, तो वही आंसर आपके हैं। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू का याद रखना और टॉगल का याद रखना। प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर 0 ली है तो यहाँ 1 हो गई, और प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर 1 ली थी इसलिए यहाँ पर क्या हो गई 0 हो गई, फिर इसका टॉगल करना है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब एक्साइटेशन टेबल लिखना तो जानते ही हो, ये ऊपर वाली टेबल पूरी एज इट इज़ कॉपी अब मरेगी है ना, पहले पूरी कॉपी कर लेंगे आप लोग अच्छे से। उसके बाद क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 को देखेंगे, 00 पर 0D, 010 पर 0D, एस आर की एक्साइटेशन लिख रहे हैं। 01 की कितनी 10, 01 की कितनी 10 है ना, याद रखना 00 पर 0D, 00 पर 0D और 01 पर 10, 01 पर 10 है ना, 11 पर D0, 10 पर 01, 11 पर D0 और 10 पर कितना 01। वैसे मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लोगे तो उसके अंदर पता लग जाएगा एक्साइटेशन टेबल मैंने कैसे बनाई थी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब क्या बनाते हैं, के मैप बनाते हैं, एस का बनाएंगे और किसका बनाएंगे, आर का के मैप बनाएंगे। तो एस और आर का के मैप, एस का के मैप और आर का के मैप। तो बेटा देख लो कहाँ कहाँ पर 1 आ रहा है और डी आ रहा है, उसको ले लेना है बस। तो 01 पे नहीं आ रहा, 2, 3, 4, 5 पे नहीं आ रहा, 6, 2, 3, 4 और 6 इनके ऊपर भरना है। तो 2, 3, 4 और 6 पे आपने इसको फिलअप कर दिया 11 और पेयरिंग कर ली ग्रुपिंग, तो आपका ये ग्रुपिंग करके आंसर आ गया के मैप का। देखो इधर ये एस और क्यू एन, क्योंकि देखो इन दोनों में क्या चेंज नहीं हो रहा, जे चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये भी वन है, तो जे चेंज नहीं हो रहा और ये तो क्यू एन बार है, सर ही 0 को आप बाहर लिखते हो। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो इसके अंदर ये कौन चेंज नहीं हो रहा, के चेंज नहीं हो रहा और क्यू एन, तो के इन टू क्यू एन। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंड गेट लगेगा, तो एस के अंदर क्या आएगा ये जे और यहाँ ऊपर से क्यू एन बार, तो क्यू एन बार यूँ टर्न होकर के इसके पास गया, दोनों एंड गेट में मल्टीप्लाई हुए और एस के अंदर जाकर के स्टोर हो गए। सिमिलरली के यहाँ से आया और यहाँ से आपका क्यू एन आया, इसको पूरा का पूरा अंदर भेजा और एंड गेट से मल्टीप्लाई करा और एस और आर के अंदर आ गए। तो इस हिसाब से आपकी चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई हैं, डेवलप हो गई हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से कर लेना, अभी मैंने इतने करा दिए हैं, बाकी के सारे खुद को ट्राई करने हैं बहुत अच्छे से, कोई डाउट आए तो डिस्कस कर लेना, डेफिनेटली हो जाएंगे ये सारे है ना। सारे जेके का एसआर हो गया है, एसआर का जेके से करना है वही सेम, जेके का टी से करना है वही सेम, जेके का है ना किससे करना है डी फ्लिप फ्लॉप से करना है, ऐसे सारे के सारे एक दूसरे के रिलेशन प्रैक्टिस कर लेना, डेफिनेटली हो जाएंगे।